एमएसएमई ऑल अबाउट एमएसएमई की सीरीज में आज हमारा ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम दो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, क्या एमएसएमई अगर मैं स्कीम अडॉप्ट करता हूं या जो भी मेरे को बेनिफिट है उसके लिए कोई लीगल फॉर्म, कोई स्पेसिफिक लीगल फॉर्म होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का कि मुझे कंपनी होगा तभी ये बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे? इसका आंसर है नो। कंडीशन क्या है, सिर्फ आपका जो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का जो क्राइटेरिया जो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था वो जो आपका क्राइटेरिया था वो मीट आउट होना चाहिए। एंड दूसरा एक नोटिफिकेशन 1642 है 29 सितंबर 2006 का, तो उसने कहा कि इंटरप्राइजेस का जो फॉर्म है, जो कैटेगरी है, वो कोई स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। वो प्रोप्राइटर भी हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी हो सकता है, कॉपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, अंडरटेकिंग या एनी अदर लीगल एंटिटी भी हो सकता है। अब अगर मैं एनी अदर लीगल एंटिटी को कहूं जो नोटिफिकेशन 1642 में 1642 में यूज किया है, तो ये काफी वाइडर हो गया अपने सेंस में। तो मैं कह सकता हूं इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी, जो कंपनीज एक्ट का एक फॉर्म है एलएलपी, वो भी इंक्लूड होगा। ओपीसी जो 1% कंपनी है वो भी इंक्लूड होगा। लाइकवाइज इवन सेल्फ हाउस ग्रुप कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एंटरप्राइजेस। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि आपका इंटरप्राइज जरूर होना चाहिए, भले वो माइक्रो है चाहे स्मॉल है चाहे मीडियम है। तो आई होप यू गेट द क्लैरिटी। एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, क्या बेनिफिट अवेलेबल होंगे एमएसएमईडी एक्ट में जो उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहा है, उन एमएसएमई को क्या बेनिफिट होंगे? तो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है। इस टेबल में आपको कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहे होंगे और साथ में मैंने कंपैरिजन किया है कि ये बेनिफिट माइक्रो को अवेलेबल होंगे, स्मॉल को अवेलेबल होंगे या नहीं, या मीडियम को अवेलेबल होंगे या नहीं। पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट बाय बायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड राइट टू इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट। तो ये बेनिफिट माइक्रो को भी है, स्मॉल को भी और मीडियम को भी है। सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट है। हाँ, इसका डिटेल में एक फर्दर चैप्टर है जिसके हम बात जिसमें हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। दीज आर ऑल चैप्टर्स, ठीक है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ समराइज्ड वे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सेकेंड है टाइम बाउंड सेटलमेंट ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू द डिस्प्यूट्स विद बायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज थ्रू रिकंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, सेक्शन 18 टू सेक्शन 21 है। ये भी आपका बेनिफिट तीनों एंटरप्राइज में अवेलेबल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट, सेक्शन 9 का प्रोविजन है, ये बेनिफिट भी आपको तीनों तरह के एंटरप्राइज में अवेलेबल होगा। एक नेक्स्ट है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, आरबीआई क्रेडिट पॉलिसीज फॉर इंश्योरिंग टाइमली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो ये बेनिफिट भी तीनों एंटरप्राइज में अवेलेबल है। लास्ट प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, प्रेफरेंशियल टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एडेड इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, सेक्शन 11 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट है, जिसमें ये बेनिफिट आपको मीडियम में अवेलेबल नहीं होगा। अब आपके मन में ये डाउट होगा, सर इन बेनिफिट का मतलब क्या है? इसके बारे में जैसा मैंने आपको पहले कहा, वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट सो शॉर्ट, ठीक है। लेकिन एक समराइज्ड टेबल आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए जिसमें आपको एक कंपैरेटिव स्टडी हो गई कि भाई तीनों के केस में अगर मैं उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट है। सो आई होप इट्स क्लियर। इसी तरह हम ऑल अबाउट एमएसएमई एक्ट की जो सीरीज है उसमें हम तरह तरह के वीडियोस लेके आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द एमएसएमई स्कीम्स, कैलकुलेशन एटसेट्रा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।